दोस्तों कैसे हो। अब सोशल वर्क रिसर्च जो है हमारा टॉपिक बचा है, ठीक है। इसके बाद एक और यूनिट बची है। तो सोशल वर्क रिसर्च में होता क्या है, इसमें क्या है, हम सारा ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसको हम अपना भी अप्लाई कर देंगे। तो रिसर्च होती क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसर्च जो होती है कोई भी तरीके का सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में हम अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, और किसी इन्वेस्टिगेशन करी हमने, मान लो ये हमारे रॉ डेटा का मतलब हुआ कि कुछ भी चीज़, मान लो हम ये एक विलेज है, ठीक है ना, इस विलेज में जा रहे हैं, हमें पता है इस विलेज में इसकी पॉपुलेशन एन है मान लो, ठीक है, इसमें उस पॉपुलेशन में 40% एजुकेटेड है, ठीक है, 30% जो है वुमेन है, ठीक है, 10% जो है उसमें फार्मर है, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम जब यहाँ पे आएगी वेलफेयर के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो डाटा है हमारा, ठीक है, ये हो गया रॉ डाटा, ठीक है, तो इसको हम अपनी अकॉर्डिंग टू नीड हम क्या करेंगे, एक ऐसी स्कीम बनाएंगे जिसमें हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट कर सकें, ठीक है। तो रिसर्च में ही वो करते हैं सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब हो गया कोई साइंटिफिक वे होगा, ठीक है ना, उसकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है, यानी कोई फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो इन फार्मूलों से, ठीक है, साइंटिफिक वे में हम रिसर्च करेंगे और इस रॉ डेटा को प्रोसेस करके, ठीक है, एक ऐसा फॉर्मुलेशन करेंगे हम तैयार जिससे कि हम सारे लोगों को बेनिफिट दे सकें, ठीक है। तो ये रिसर्च होता है। तो अगर मैं रिसर्च की एक छोटी सी डेफिनेशन दूँ, तो हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो ये अभी सोशल वर्क रिसर्च नहीं चल रही, केवल अभी रिसर्च के बारे में कर रहे हैं। तो जो रिसर्च है वो क्या होती है, रिसर्च को हम बोल सकते हैं इट इज ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसको आप लिख लो एक बार, इंटेंडेड टू ऐड टू अवेलेबल नॉलेज इन ए फॉर्म दैट इज कम्युनिकेबल एंड वेरी फेवर, ठीक है। और ये दी थी मैकडोनाल्ड, इसका नाम आप भूल नहीं सकते, मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे वहाँ पे आंसर में कि रिसर्च होती क्या है। देखो आप समझो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन एक पूरा समझा दिया, ठीक है, ऐसा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन डेट लीड टू क्या, एड अवेलेबल नॉलेज इन ए फॉर्म डेट इज कम्युनिकेबल, जो सारे लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, और वेरी फेवर मतलब जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा जबरदस्ती का फार्मूला आपने बना दिया, ठीक है, जो आज तक बना ही नहीं है, तो हम यूज नहीं करेंगे। हमें पता होगा कि मान लो इसमें आपने चाई स्क्वायर टेस्ट यूज किया है इसमें, ठीक है, तो हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये डाटा जो आया है इससे जो आउटकम आए वो सही है कि नहीं है। किसी ने टी स्क्वायर टेस्ट करा है, ठीक है, किसी ने मीन का हेल्प लिया है, किसी ने मोड का लिया है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो मैं सब आपको बताऊंगा धीरे धीरे होते क्या है। तो ये हमें सबसे पहले रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए कि रिसर्च होती क्या है, ठीक है। फिर रिसर्च जो होती है दो तरीके की होती है, ठीक है, एक होती है बेसिक रिसर्च और एक होती है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। बेसिक रिसर्च का मतलब होता है आपका कि अंडरस्टैंड, इसको भी देखो, अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमिनन जो समझने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं उसे बेसिक रिसर्च कहते हैं। और बेसिक रिसर्च होती है हमेशा किसमें, सोशियोलॉजी में, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉज इफेक्ट, ठीक है, और फ्यूचर एस्पेक्ट, इसको हम एनालाइज करते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च कहाँ पे होगी, सोशल वर्क में, ठीक है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, माइन्यूट से डिफरेंस है। वहाँ पे हमें बेसिक रिसर्च के बारे में नहीं लिखना है, नहीं तो समझ जाएगा सोशियोलॉजी का आंसर लिखा है, हमें क्या लिखना है, सोशल वर्क का आंसर। तो मतलब हमें अप्लाइड रिसर्च करनी है, तो इसको अप्लाइड करो, कॉज एंड इफेक्ट को हमने यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉज है, ठीक है, फार्मर है 10% है, बाकी जो 30% है यूथ है उसको मिल रहा है, कोई रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में कैसा आस्पेक्ट हो, तो ये सब क्या हुआ, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। और यही काम किसका होता है, एक सोशल वर्कर का। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो कोई सिंपल क्वेश्चन दे देंगे कि एक गांव में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, सोशल वर्कर जाएगा तो वो उनको कैसे हेल्प कर सकेगा, ठीक है। तो सोशल वर्क क्या करेगा, वहाँ पे डेटा जो है गैदर करेगा और उस डेटा को
सोशल वर्क रिसर्च की जो प्रोसेस है उसमें डाल के एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन देगा गवर्नमेंट को या म्यूनसिपैलिटी को कि आप ऐसा ऐसा करिए और ऐसे ऐसे स्कीम कराएं, तो ये सोशल वर्क का काम हो जाएगा। तो सोशल वर्कर क्या करता है, अप्लाइड रिसर्च की सहायता लेता है, ना कि बेसिक रिसर्च की। तो ये बेसिक जो है डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब सोशल वर्क रिसर्च क्या होती है, हमने रिसर्च पढ़ ली, अब सोशल वर्क रिसर्च में क्या करेंगे, फ्राइड लैंडर की एक डेफिनेशन है, ठीक है, इसी को हम वहाँ पे लिखेंगे। अब ये सबसे इजी और अंडरस्टूड, ठीक है, आप सब समझ सकते हो इसे बहुत आसान से। इसमें क्या लिख कहा था उन्होंने, इसको आप सुन के उतार लो, मैं शॉर्ट में लिखूँगा, सोशल वर्क रिसर्च, ठीक है, इज द सिस्टमेटिक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वेश्चन इन द सोशल वेलफेयर फील्ड विद द पर्पस ऑफ यील्डिंग आंसर टू प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल वर्क एंड ऑफ एक्सटेंडिंग एंड जनरलाइजिंग सोशल वर्क नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी बड़ी लग रही है, ठीक है, लेकिन बार बार इसको याद करोगे तो बहुत ईजी समझ के, ठीक है। तो वो एक सिंपल बात कर रहा है कि सोशल वर्क रिसर्च जो है एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, क्रिटिकल ऐसा इन्वेस्टिगेशन है ऑफ क्वेश्चन का, जो सोसाइटी में क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है, उनका सोशल वेलफेयर फील्ड में, उसका पर्पस जो है मेन क्या है, यील्डिंग ऐसा आंसर निकालना जो उस प्रॉब्लम हो सोशल वर्क की, ठीक है। तो क्या लिखा है, यील्डिंग आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ सोशल वर्क एंड ऑफ एक्सटेंडिंग एंड जनरलाइजिंग सोशल वर्क नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। किसके द्वारा प्रॉब्लम को हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, जो जनरलाइज मेथड है सोशल वर्क नॉलेज के और कॉन्सेप्ट के, और जो मेथड है हम वो शुरू से हम पढ़ रहे हैं कि हमने पढ़ा कि ग्रुप में होता है, कम्युनिटी में होता है, ठीक है, इंडिविजुअल होता है, तो वो सब हमने पढ़ रखे हैं, प्राइमरी मेथड सारे कर रखे हैं, ये सारे सेकेंडरी मेथड है। तो सोशल वर्क की, फ्रेड लैंडर की हम ये छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। अब इसके आगे हम समझते हैं सोशल वर्क रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या वो रिसर्च में हम क्या करते हैं, छोटा सा वो बना सकते हैं, आजकल उससे बनाते रहते हैं कि हम साइंटिफिक इंक्वायरी ही क्यों करते हैं, ठीक है, जनरल इंक्वायरी क्यों नहीं करते, ठीक है। तो हम साइंटिफिक इंक्वायरी इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, हमें जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है ना, उनसे कुछ हट के, ठीक है ना, एक हमें एक ऐसा डेटा मिलता है सोशल वर्क प्रैक्टिस करने के लिए जो एक तरीके से ऑथेंटिकेटेड हो सकता है, ठीक है, मोस्ट रिलायबल हो सकता है, ठीक है, और उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमारा क्या है कि हमें प्रूफ कर सकते हैं कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, इससे जो हमारा इनपुट से जो हमारा आउटपुट आया, ठीक है ना, वो जो है बहुत ही मतलब आपका ट्रस्टवर्दी है, यूजफुल है, ठीक है, यूजफुल है तो वो क्या है, सोशल वेलफेयर में काम आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम मेन चीज करते हैं। दूसरा जो साइंटिफिक इंक्वायरी में क्या होगा, केयरफुल इंक्वायरी होगी, और क्या होगा इसमें, स्ट्रक्चर इंक्वायरी होगी, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर प्री डिटरमाइंड है, उससे हम करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा आउटकम हमेशा अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो साइंटिफिक जो मेथड, अब इस इंक्वायरी को हटा के यहाँ पकड़ दो मेथड, इसमें एक बार क्वेश्चन आया था बहुत पहले, साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको ट्री टाइप का बना देता हूँ कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के हमेशा ओपन रहेंगे, आपका जो वेरीफेबल एविडेंस है, देखो इसमें कुछ स्टेप आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पांच भी लिख दे तो समझ जाएगा कि आपको कुछ आती है, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी साइंटिफिक में, प्रिसीजन रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा, परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आप डाटा को बहुत तरीके से रेप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजों से कोरिलेशन कर सकते हो, ये फायदा होता है। और कंट्रोलिंग कंडीशन होती है, कंट्रोलिंग कंडीशन का मतलब होता है कभी कभी हमें ऐसा लगता है
कि हमारे आउटकम हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसा साइंटिफिक मेथड में नहीं होता। अगर आप करोगे तो डेटा आपके आउटकम जो है आपके कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि साइंटिफिक मेथड क्यों करते हैं, इसलिए हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। अगला है कि जो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, रिसर्च की क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, रिसर्च जो हो भी होगी हमारी एक कंट्रोल्ड वे में होगी, ठीक है, यहाँ का जो बड़ा कंट्रोलिंग कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रिगर, इसको आप रिगर की जगह लिखो RIGORUS, रिग्रेस होगी, ठीक है। और क्या होगी, ये सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ये शब्द बार बार आएगा, सिस्टमेटिक होनी चाहिए रिसर्च। और क्या होनी चाहिए हमारी रिसर्च, वैलिड होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, वेरीफिएबल होनी चाहिए, कुछ हम वेरीफाई कर लें। और क्या होनी चाहिए हमारी रिसर्च, इम्पेरिकल होनी चाहिए और क्रिटिकल होनी चाहिए। ये करैक्टर होते हैं किसके, रिसर्च के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करैक्टर लिख दिए, तो कोई भी 5 आप लिख देना, ठीक है, कंट्रोल्ड, ठीक है, सिस्टमेटिक, वैलिड, वेरीफिएबल, इम्पेरिकल और क्रिटिकल। इसलिए धीरे शब्द ना अपना आप भी डेफिनेशन में आते जाएंगे। अभी क्या है, हम एक ट्री सा बना रहे हैं कि रिसर्च होती क्या क्या है। तो अब रिसर्च में क्या होता है, और रिसर्च जो होती है तीन तरह का मेन चीज हम उसमें करते हैं, ठीक है, टाइप्स बोल लो चाहे आप इसको। पहला होता है एक्सप्लोरेटरी, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप की रिसर्च, तीसरी होती है डायग्नोसिस। ये तीनों यूज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है आपका कि इसमें मेन हमारा काम क्या होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने का, कि हम गेन हो जाएं, ठीक है, टू गेन द फैमिलियरिटी, टू गेन फैमिलियरिटी विथ फिनोमिना, सुनो ज़्यादा, ठीक है, और अचीव न्यू इनसाइट, ठीक है ना। इस जगह पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर करेक्टर को और ज़्यादा डिस्क्राइब करना है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल को अगर हमें बहुत ज़्यादा डिफाइन करना है तो हम वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज करेंगे। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब सिंपल, जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि आपको कौन सी डिजीज है, ऐसी वहाँ पे हमें क्या किस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करना है और उसी का सॉल्यूशन हमें बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो वहाँ डायग्नोसिस क्यों कैसे लिखेंगे, यहाँ पे स्टैटिक की लाइन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि कोई एक इवेंट है वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है, तो वो हम फ्रीक्वेंसी का यूज किसमें करेंगे, डायग्नोस्टिक टाइप की रिसर्च में। फिर एक और होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ नहीं होता है कि हम, ये भी मैं बता देता हूँ, आगे बताऊंगा, वेरिएबल होते हैं कुछ, ठीक है, एक्स वाई जेड वेरिएबल जो होते हैं, ठीक है, उन एक वेरिएबल मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी, इन सारे वेरिएबल में आपस में क्या कोरिलेशन है, ठीक है, इस कोरिलेशन को जो हम टेस्ट करने के लिए मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस चेक जरूर करते हैं, हम लास्ट में बताऊंगा क्यों करते हैं, ठीक है। अभी इतना याद रखो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब है कि टू टेस्ट द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है, इज नोन एज हाइपोथेसिस। सोशल वर्क रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव दिए थे नॉर्टन ने, ठीक है, चार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव दिए थे, हम इन्हीं को पढ़ेंगे और बार बार अपना आंसर इन्हीं के आसपास घुमाएंगे, ठीक है। पहला इनका ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिया था, मैं लिख देता हूँ, ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वर्क रिसर्च का, फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस EVIDENCE ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इम्प्रूविंग सोशल वर्क इंटरवेंशन। इसमें की वर्ड है एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है, इसको मत भूलना, आगे पीछे लाइन कर लेना। दूसरा उन्होंने बोला था ऑब्जेक्टिव होता है फॉर इनहेंसिंग थ्योरी एंड knowledge
अबाउट प्रॉब्लम पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ये तीन कीवर्ड हैं इसमें। तीसरा उन्होंने बोला था फॉर हाइलाइटिंग, मेरे को सबसे अच्छे ऑब्जेक्टिव लगते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव तो और किताबों में बहुत सारे हैं। एंड टू नहीं, फॉर हाइलाइटिंग एंड एडवांसिंग द क्वालिटी राइटिंग, दो कितनी गंदी बंदी है, एक महीने बाद लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, क्वालिटी ऑफ लाइव्ड एक्सपीरियंस प्रैक्टिस विजडम एंड पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। पढ़ देता हूँ दोबारा, देखो इसमें है फॉर हाईलाइटिंग एंड एडवांसिंग द क्वालिटी ऑफ लिव्ड लाइफ एक्सपीरियंस कॉमा प्रैक्टिस विजडम एंड पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। चौथा जो उनका लास्ट ऑब्जेक्टिव था वो था फॉर फैसिलिटेटिंग सोशल इंक्लूजन। बहुत प्यारा देखो इनका लास्ट वाला, सोशल इंक्लूजन कॉमा सोशल चेंज और लास्ट में एंड सोशल जस्टिस, तीन चीज। तो कितना सही, सब कुछ इसी में आ गया कि सोशल इंक्लूजन, ठीक है, सोशल चेंज, सोशल इंक्लूजन, सोशल चेंज एंड सोशल जस्टिस, ये तीन चीज प्रोवाइड करना। और ये तीन चीज प्रोवाइड कर दी तो दुनिया में सारे ही मतलब लड़ाई वड़ाई जो भी हो रही सब खत्म हो जाएगी, ठीक है, सब जगह इक्वालिटी आ जाएगी। तो हमारे सोशल वर्क साइज के नॉर्टन के हम चार ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, इससे तो ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाता है कि एक ही चीज को बार बार अलग तरह से लिख रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे, ये चार थीरे वहाँ पे ठोकने तुम्हें, ठीक है, और इससे आपको बहुत सही नंबर मिल जाएंगे। अब इसके आगे हम देखो अगला स्टेप क्या करते हैं, ठीक। अब सोशल वर्क रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है, और ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पिछली बार नहीं आया था तो इस बार आना आना है। सोशल वर्क प्रोसेस को डिफाइन करो 15 मार्क्स में। तो सबसे पहले हम इसको अपने डायग्राम वाले वे से समझेंगे। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना। फिर उसके बाद होता है नीड असेसमेंट, ऐसी बनाना वहाँ पे, ठीक है। नीड असेसमेंट के बाद होता है आपका सेलेक्शन ऑफ वर्क रिसर्च डिज़ाइन। जब आपने डिज़ाइन सेलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद होता है प्री इंटरवेंशन मेजरमेंट, फिर उसके बाद होता है आपका इंट्रोड्यूस इंटरवेंशन, फिर उसके बाद होता है असेस ASSES द इंटरवेंशन इफेक्ट, ठीक है, और ये पूरा सर्किल बन गया। तो ये पूरी हुई प्रोसेस, दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, फिर हम उसके बाद करेंगे नीड की असेसमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ वर्क रिसर्च डिज़ाइन, कौन सी हम प्रैक्टिस डालेंगे उसमें, ठीक है, कौन सा हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे प्री इंटरवेंशन मेजर, उससे पहले लेंगे कि हम जो यूज़ करेंगे, ठीक है, टेस्ट, उसका क्या क्या मेज़र होगा, उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद असेस करेंगे उसका क्या इफेक्ट आया, क्या आउटकम आया, ठीक है, और इस तरीके से पूरा सर्किल बन के ये प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक ट्री डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखो इस प्रोसेस के अंदर ही एक सब है, स्टेप क्या क्या होता है वो हम स्टेप पढ़ रहे हैं, वहाँ प्रोसेस आएगा। तो अभी जो पहले डायग्राम बनाया था ये बनाना है, इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद स्टेप लिख देना है, ठीक है, और अगर खुद अलग से भी स्टेप आए तो भी दोनों में कर सकते हो, ठीक है, सेम आंसर। सबसे पहले होता है फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, अभी हम स्टेप याद कर लेते हैं, फिर मैं रैंडम क्वेश्चन दूंगा ना केस बेस पे, तो वो आप इसमें रखोगे तो आपको अपना पता चल जाएगा। एक मैं भी लास्ट में लेक्चर में यहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगा केस स्टडी, तो ये सारे चीज़ अपना आप याद हो जाएंगे, बस लिखते रहो समझते रहो। मेकिंग इट डू एबल, मतलब सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को हमने फॉर्मुलेट करा,
फिर उसको मेकिंग इट डूएबल, मतलब हम उस पर काम कर सकते हैं उसके अनुसार हमने बनाया। फिर उसके बाद क्या करा, रिव्यू लिटरेचर, उस पर अभी तक जो जो लिटरेचर आ चुके हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, लाइब्रेरी में जाके हम वो लिटरेचर को पढ़ेंगे कि अब तक उस चीज़ पे क्या क्या रिसर्च हो सकी और उनके क्या क्या आउटकम थे, क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, कॉन्सेप्चुलाइजेशन भी कर सकते हो, ए रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन को हम फिर कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे। फिर उसके बाद हमारा होता है राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, फिर एक प्रपोजल हम राइट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन, किस तरीके से हम डेटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है, फोन पे करेंगे या वहाँ पे मार्केट में जा पे लोगों को बार बार पूछेंगे, ठीक है, कि रोड पे जाके हम पंपलेट बांटेंगे, ठीक है, कुछ भी हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे वो सब जाके हम करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिंग द डेटा, हमारा डेटा हमारा कलेक्ट हो जाएगा, फिर उस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, हमारे जो टेस्ट हैं, ठीक है, जो हमने डिटरमाइन करें उनमें प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, फिर हम अपनी फाइनल रिपोर्ट कर देंगे। देखो कोई भी कमेटी बैठती है तो वो भी ये सब चीज़ें पहले करती है, ठीक है, फिर राइटिंग रिपोर्ट हो गई। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम इसको बिठाते हैं कैसे। एक केस ये है कि हम देख रहे हैं ये रोड है, ठीक है, नेशनल हाईवे मान लो, कोई भी नाम दे दो, ए बी सी डी ए दे दे रहा हूँ, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और आप हो MBA के स्टूडेंट, ठीक है, आपने ले रखा है ह्यूमन रिसोर्स HR, ठीक है, तो आपका थर्ड सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट दिया गया कि इस रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो एक आप क्या करो इस पे पूरे एक रिसर्च करो, ठीक है, और एक हमें रिपोर्ट सबमिट करो। तो वो बच्चा जब जाएगा सबसे पहले करेगा फार्मूलेट रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम है क्या उसको फार्मूलेट करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, रोड एक्सीडेंट, ठीक है, वो उन्होंने पहले ही दे रखा है आपको, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर मेकिंग इट डूएबल, फिर उसमें क्या करेगा वो इस चीज़ में जाके, ठीक है, यहाँ पे उसे क्या क्या काम करना है, ठीक है, इस रोड पे तो रोज़ उसे जाना ही पड़ेगा, ठीक है, विजिट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके संग अगर कोई और बच्चों की टीम है, ठीक है, वो और या किस किस लोगों के पास जाएगा, ठीक है, या आपका म्यूनसिपैलिटी के पास गया, ठीक है, या लोकल गवर्नमेंट के पास गया, वहाँ से डेटा लेगा कि कितने एक्सीडेंट होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है, जो रोड बनाई है, ठीक है, उसके डायमीटर के, ठीक है, मतलब डायमेंशन मान लो, उसके कुछ डेटा भी लेगा, ठीक है, तो एक तरीके से अपना मन बना रहा है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो डूएबल बना रहा है इस चीज़ को। फिर क्या करेगा, रिव्यू लिटरेचर लेगा, रिव्यू लिटरेचर का मतलब इधर उधर कहीं लाइब्रेरी में जाएगा और पढ़ेगा कि रोड एक्सीडेंट होते क्यों हैं, इनके क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, या कभी न्यूज़पेपर में आया होगा खबर, क्योंकि ये पता ही रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो न्यूज़ वाले भी लिखते हैं कि भाई ये एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं है या जेब्रा क्रॉसिंग है, जो भी कुछ है, तो वो अपनी लिटरेचर रिव्यू करेगा जो लोगों ने पहले से कर रखा है, क्योंकि इसका उसे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और आजकल भारत में तो लिटरेचर रिव्यू क्या करते हैं, उसी को देख के लोगों की पहले वाली रिसर्च को ही कट पेस्ट करके अपनी नई रिसर्च कर देते हैं, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, लेकिन उसे समझने के लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिसर्च वो डिजाइनिंग करेगा, ठीक है, जब हम रिसर्च डिजाइन को अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं अब रिसर्च को इस तरीके से की कर सकता हूँ कि एक्सप्लोरेटरी करनी है कि डायग्नोसिस करनी है, ठीक है, ये मेरी डिजाइनिंग है। मान लो डायग्नोसिस करनी है तो मैंने वहाँ पर लिखा था कि फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करेगा कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो बाइक वालों के ज़्यादा हो रहे हैं, कार वालों के ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, कि ट्रक वालों के ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, कब कब हो रहे हैं, हर हफ्ते में हो रहे हैं कि हर महीने में कितनी बार हो रहे हैं, तो उस तरह की वो डायग्नोसिस करेगा या एक्सप्लोरेटिव करेगा या डिस्क्रिप्टिव करेगा, जो भी डिजाइन करेगा वो उसके ऊपर है, उसको जो अच्छी लगे, मतलब जो उसको जो आउटकम चाहिए, ठीक है, वो उसके दिमाग में चल रहा है उस हिसाब से वो कर लेगा। फिर रिसर्च प्रपोजल बनाएगा, ठीक है, प्रपोजल के बाद क्या करेगा, डेटा कलेक्शन कैसे कर सकता है वो, ठीक है, लोगों के पास जा सकता है जो रोज़ वहाँ पे फ्रिक्वेंट जो विजिटर है, जो कम्यूटर्स हैं, उनसे पूछ सकता है कि भाई आपको इस रोड में चलने में क्या परेशानी होती है, ठीक है, स्लाइडिंग है क्या है, ठीक है,
तो ये लोगों से वहां पे लोगों से बार बार पूछेगा जो लोग जाते हैं वहां पे, ठीक है। अस्पताल में चले जाएगा, मान लो कुछ एक्सीडेंट हुआ है उस बंदे के पास चले गया, उससे पूछा भाई तेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो वो कुछ बताएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से वो डेटा कलेक्शन कर सकता है, लोकल गवर्नमेंट के पास चले गया, न्यूज़पेपर वालों के पास चले गया, तो कलेक्ट कर सकता है। अब कलेक्शन करने के लिए क्या क्या वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता है, डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकता है, टेलीफोनिक कॉल कर सकता है, ठीक है ना, या कोई एक पंपलेट लेके लोगों को भरवा सकता है, यस नो वाले टिक लगा सकता है, तो अलग अलग तरीके का है। फिर जब उसके बाद डेटा आ गया तो वो प्रोसेस कैसे करता है, ठीक है। मान लो देखो, अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व होता है, ठीक है। तो कोई ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए वो डाटा के लिए कुछ भी तरीका यूज कर सकता है, कितने सारे टेस्ट हैं उनको यूज कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल जो भी राइटिंग रिपोर्ट लिख देगा अपनी प्रॉब्लम में कि मेरी ये फाइंडिंग है, मेरे को ये लगा है और ये कारण है, ठीक है। और इन इन कारणों अगर हम इनको सॉल्यूशन चाहिए तो ये मेरे सजेशन है, अगर इनको अप्लाई करते हैं तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, बस खत्म कहानी। तो ये एक तरीके से उसने उसने पूरी रिपोर्ट बना दी, ठीक है। तो ऐसी हम वहां पे एग्जाम में नहीं बनाएगा, लेकिन ये तरीका जो मैंने बता दिया, तो अगर स्टेप भूल जाओ तो सोचो मेरे को किसी ने रोड पे खड़ा कर दिया, मुझे एक्सीडेंट का काम करना है, तो मैं क्या क्या करूंगा, और उसी के तरीके के ये बना देना, आंसर में तब भी उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 अब मैं आगे बताता हूँ इसका।